हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना चाहिए दोस्तों। उम्मीद नहीं थी दोस्तों, लेकिन थोड़ा धूप निकल आई है और बेटर फील हो रहा है अभी। तो अभी एक्चुअल में नाश्ता किया था, ब्रेकफास्ट। ये यहाँ पे इनका अंदर में है ब्रेकफास्ट के लिए या डिनर, जो भी आपको लेना है। तो बादल छाए हुए हैं, अभी आप देख रहे होंगे। दोस्तों आज का नाश्ता ये रहा, ये पोहा, इडली और ये चटनी और ये रसम। आइए ले लीजिए आप भी। तो दोस्तों आज चलते हैं शिमला के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, जिसको बोलते हैं जाकू टेंपल। तो आइए रास्ते के नज़ारे का आनंद लीजिए दोस्तों। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। बाबा के दरबार, वो आप देख रहे होंगे। दोस्तों जाखू मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह मंदिर जाखू पहाड़ी पर समुद्र तल से 8048 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों भगवान हनुमान को समर्पित यह धार्मिक मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ देश विदेश से लोग दर्शन करने आते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों का कहना है कि उन्हें यहाँ आकर सुकून मिलता है और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ जो लोग भी सच्चे मन से आते हैं, उन्हें हनुमान जी खाली हाथ नहीं भेजते। दोस्तों जाखू मंदिर भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान को समर्पित हिंदू आस्था का मुख्य केंद्र है। इस मंदिर के प्रांगण में ही अब हनुमान जी की 108 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा भी स्थापित की गई है, जिसे आप शिमला में कहीं से भी देख सकते हैं। यहां से आप सूर्योदय और सूर्य अस्त के भी आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों 115 सीढ़ी चढ़नी है अभी हम लोगों को, उसके बाद पहुंचेंगे हम हनुमान जी के द्वार पर। तो चलते हैं, आइए। जय बजरंगबली। दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी के मूर्छित हो जाने पर संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय की ओर आकाश मार्ग से जाते हुए हनुमान जी की नज़र यहां तपस्या कर रहे यक्ष ऋषि पर पड़ी। जिस समय हनुमान पहाड़ी पर उतरे, उस समय पहाड़ी उनका भार सहन न कर सकी। परिणाम स्वरूप पहाड़ी जमीन में धस गई। मूल पहाड़ी आधी से ज़्यादा धरती में समा गई। बाद में इसका नाम यक्ष ऋषि के नाम पर ही यक्ष से याक से याकू, याकू से जाखू तक बदल गया। हनुमान जी के विश्राम करने और संजीव बूटी का परिचय प्राप्त करने के लिए जाखू पर्वत के जिस स्थान पर उतरे, वहां आज उनके पद चिन्हों को संगमरमर से बनाकर रख दिया गया है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, ये आप देखेंगे। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। तो उधर मंदिर है, देखे दोस्तों। जय बजरंगबली।
तो 108 फीट है इसकी हाइट। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, हनुमान जी आपकी मनोकामना पूर्ण करें। ये देखिए दोस्तों, जय बजरंगबली 108 फीट हाइट। काफी लोग आए हुए हैं, काफी भक्तजन आप देख रहे होंगे क्योंकि दिन भी मंगलवार है। बालाजी के हैंड में क्या है दोस्तों, यक्ष ऋषि से संजीवनी बूटी का परिचय लेने के बाद वापस जाते हुए उन्होंने मिलकर जाने का वचन यक्ष ऋषि को दिया और द्रोण पर्वत की तरफ चल पड़े। मार्ग में कालनेमी राक्षस के कुचक्र में फंसने के कारण समय के अभाव में हनुमान जी छोटे मार्ग से अयोध्या होते हुए चल पड़े। जब वह वापस नहीं लौटे तो यक्ष ऋषि व्याकुल हो गए दोस्तों। हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिया। उसके बाद इस स्थान पर हनुमान जी की स्वयंभू मूर्ति प्रकट हुई, जिसे लेकर यक्ष ऋषि ने यहीं पर हनुमान जी का मंदिर बनवाया। आज यह मूर्ति मंदिर में स्थापित है दोस्तों, और दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों का कहना है कि उन्हें यहाँ आकर बड़ा सुकून मिलता है और उनकी मुरादें भी पूरी होती हैं। यहाँ जो लोग भी सच्चे मन से आते हैं, उन्हें हनुमान जी खाली हाथ नहीं भेजते। तो आइए दोस्तों, चलते हैं मंदिर की ओर, जहाँ हनुमान जी के दर्शन करेंगे हम, तो बड़ा ही सुकून मिलता है दोस्तों। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि आप एक्चुअल में 2.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, तो आप पैदल भी आ सकते हैं यहाँ, अन्यथा आप जो है रोपवे भी यहाँ से आजकल चला हुआ है, तो रोपवे से भी आप यहाँ तक आ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मंदिर की तरफ हम अग्रसर हैं और ये सामने मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। तो रास्ता इसका दूसरी तरफ से है, तो चलते हैं और प्रभु के दर्शन करते हैं। और काफ़ी भक्त लोग आए हुए हैं क्योंकि आज मंगलवार है दोस्तों, और आज हनुमान जी का वार है। तो चलते हैं दोस्तों, और आप देख रहे होंगे लाइन लगी हुई है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये है प्रभु का मंदिर। चलते हैं, आइए। आप देख रहे होंगे दोस्तों, जाखू मंदिर, हनुमान जी का जाखू मंदिर दोस्तों। और बड़ी श्रद्धा के साथ में श्रद्धालु आते हैं यहाँ दोस्तों। तो आइए, आप भी आइए, हनुमान जी के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद लेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों मैं आपसे क्षमा चाहूँगा क्योंकि मुझे पता चला है कि यहाँ पे वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, तो हनुमान जी के दर्शन मैं आपको नहीं करा सकता। लेकिन दोस्तों मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा प्रभु से कि आप स्वस्थ रहें और अपने परिवार दोस्तों के साथ में खुश रहें। तो क्योंकि दोस्तों जहाँ पे रूल रेगुलेशन है उनको मानना ज़रूरी है, इसलिए मैं आगे वीडियो नहीं बना पाऊँगा दोस्तों। तो आपको क्षमा चाहता हूँ आपसे मैं, वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी दोस्तों, तो वहाँ पे वीडियो बनानी भी नहीं चाहिए एक्चुअल में। तो प्रभु के दर्शन हो गए हैं और आप सब लोगों के लिए भी दुआ मांगी है, आप स्वस्थ रहें अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ में। तो ये है जाखू टेंपल, और उसके पीछे आपने मूर्ति देखी होगी बजरंगबली की। काफी हाइट पे है ये, वो आप मूर्ति देख रहे होंगे। दोस्तों जिन भक्तों की यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है, वो लोग, वो भक्त यहाँ पे भंडारा भी कराते हैं। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये भंडारा भवन है,
और जो यहाँ पे भक्तजन आते हैं वो यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं। जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो भक्त यहाँ पे भंडारा कराते हैं। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, और काफ़ी सुंदर दृश्य और ये भंडारा भवन। तो दोस्तों ये हो चुका है जाखू मंदिर टेंपल का दौरा, और अब चलते हैं यहाँ से क्योंकि तो मौसम भी बिगड़ने वाला है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। चलते हैं दोस्तों अब नीचे। तो दोस्तों बताइएगा ये मेरा प्रयास कैसा रहा जाखू टेंपल के बारे में, आप बताइए कि आपको कैसा लगा। कोशिश करता हूँ दोस्तों आपको नई नई जगह लेके जाने की और वहाँ की चीज़ों के बारे में बताने की। मेरा प्रयास रहता है कि आपको अच्छी अच्छी जगह दिखाई जाएं। आपने मेरे पिछले ब्लॉग देखे होंगे, चायल पैलेस और काली का टिब्बा। तो दोस्तों यही है बस, आप लोगों का प्यार और सहयोग ऐसा ही बना रहे उससे प्रोत्साहन मिलता है दोस्तों मुझे। आप जब वीडियो पे आपके कमेंट देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। तो ये प्यार और ये सहयोग बनाए रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ में, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो आप लीजिए यात्रा का आनंद। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।